अच्छा सर, आप हमें बता सकते हैं कि आईआर बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है पिछले कुछ सालों से, और काफ़ी लोग जो हैं जो इस बार अगले अटैम्प्ट देने जा रहे हैं वो ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस पे चले गए हैं, और आईआर का बड़ा खौफ है इस टाइम, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, ये एक ना बड़ा मजेदार एक पैटर्न है जो चलता हुआ है। आप पिछले 10-15 या 20 सालों का एक पैटर्न देखो ना, तो ये होता है कि हर सब्जेक्ट का एक टाइम आता है। अभी जैसे पॉलिटिकल साइंस का एक टाइम स्टार्ट हो गया, आईआर का जरा सा वो हिट हो गया, यूएस का थोड़ा बहुत हिट होना शुरू हो गया था पीछे। उसकी रीजन ये होती है ना कि वो डिमांड सप्लाई का, अगर किसी को पता है कि अगर एक सब्जेक्ट ज्यादा लोग ऑप्ट करना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब कि अब उसमें से छांटी बहुत स्ट्रिक्टली होगी, बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी, और उन्हीं को ज्यादा आगे वो भेजेंगे जिन्होंने बिल्कुल परफेक्टली चीज को हिट किया होगा, क्वेश्चन को समझा होगा और एड्रेस किया होगा और बताया होगा कि हम ये सब्जेक्ट जानते हैं। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर कोई बंदा, अब ये नहीं है कि आप डर जाओ आईआर नहीं लेना लेना है, मैंने आईआर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बारी में भी आईआर 1 हिट हुआ पूरे तरीके से, लेकिन क्योंकि आपके आपने उसके जो रिक्वायर्ड जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो कवर किए होते हैं, तो आपको घबराने की फिर जरूरत ही नहीं है। अगर आप आईआर ले रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपने पहली चीज ये है कि अब एग्जामिनर रिपोर्ट के हवाले से मैं बात करूंगा, वो रेफरेंस है हमारा कि एग्जामिनर बता रहा है कि क्यों फेल हो रहे हैं। पहली चीज ये, सब स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं पढ़ना, जो ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं, जो मिल जाते हैं मार्केट में इधर उधर डाउनलोड, उनसे बचो, क्योंकि हर कोई वही पढ़ेगा, हर किसी की वही चीज होगी, अप्रोच होगी, कोई यूनिक एलिमेंट नहीं होगा उसमें, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इंटरनेशनल ऑथर्स और सजेस्टेड रीडिंग्स में से वो जो कि जिस तरह 2-4 मैंने आपको बताई, उनको पढ़ो कि आपका होराइजन, आपकी जो विजन है वो ब्रॉड होगा, आपको ज्यादा डिटेल में चीजें समझ आएंगी। तीसरी चीज, टर्मिनोलॉजीज, हर सब्जेक्ट की कुछ अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी लैंग्वेज जो होती है उसकी, आपने वो टर्मिनोलॉजीज एज इट इज लेके चलनी है। आप अगर ले मैन हो ना, आपने बस कहा कि चलो यार सिक्योरिटी तो मैं कर लूंगा, मैं नेशनल इंटरेस्ट तो कर लूंगा, मैं कर लूंगा नहीं होता, आप कर लोगे जाके तो वही होगा, हिट हो गया गए। लेकिन अगर आपने एक एक टॉपिक की टर्मिनोलॉजी को समझा है, उसकी लैंग्वेज को समझा और फिर वहां पे जाके आपने एज इट इज लिख दिया है, एनालिसिस अच्छा कर दिया, तो फिर तो आप सेफ हो ना, आपको तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। फिर एक लास्ट चीज जो मैं बताऊंगा, जो ऑलमोस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट के हर उसमें सब्जेक्ट में उसने हाईलाइट किया, दैट इज पुअर हैंडराइटिंग एंड पुअर एक्सप्रेशन। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, प्लस आपका एक्सप्रेशन, आप बेसिक, आपकी ग्रामर ही ठीक नहीं है, तो आईआर में तो अगेन एक टर्मिनोलॉजी का एलिमेंट है। फिर आप वो देखो, कॉन्सेप्ट्स बताना आईआर के आसान काम नहीं होता, आपने एग्जामिनर को समझाना है कि भाई मुझे ये चीज आती है, वो बाद में आपको बुला के तो नहीं पूछेगा कि इस बात पे क्या मतलब है, आप लिख के उसको समझाओगे ना कि मैं इस चीज को जानता हूँ, तो आपका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका ग्रामर। अब आप हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, आईआर में कोई सवाल हिस्ट्री पे आ गया और आप फॉर एग्जाम्पल वॉज की बजाय इज लिख रहे हो, हिटलर इज डूइंग दिस, तो इसका मतलब हिटलर दोबारा जिंदा हो गया। ये चंद एक छोटी छोटी चीजें लगती हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही चीजें होती हैं जो एट द एंड डिफरेंस क्रिएट करती हैं। लोग इन चीजों पर कम सोचते हैं, इन चीजों पर भी सोचें, साथ साथ टॉपिक्स कवर हो जाते हैं नो डाउट, उनको सही तरीके से फिर अटेम्प्ट भी करना आना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज जो मैं बताऊंगा, दैट इज आईआर के पेपर में खसूसन और फिर बाकियों में भी, आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस में की टर्मिनोलॉजीज होती है। की टर्मिनोलॉजीज से मुराद ये है कि उसने कहीं पे एनालाइज लिखा हुआ है, कहीं पे क्रिटिकली इवेल्युएट लिखा हुआ है, कहीं पे डिस्कस लिखा हुआ है, कहीं पे आपकी ओपिनियन मांगी है, हर एक वर्ड का अपना मतलब है, और आपने क्वेश्चन को फिर एड्रेस उसी एंगल से करना होता है, और आप वो नहीं करते और जो आपको बस याद होता है वही आपने वहां पे जाके छाप दिया होता है, तो ऑब्वियसली फिर आप उसको इनवाइट कर रहे हो, क्या हो यार मुझे फेल कर।